हाँ एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक सपोर्ट पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अपनी मेहनत पे शानदार जानदार लगे होंगे। तो दोस्तों, आप भी रोज नए नए तरीके अपनाते हैं YouTube बनाने के लिए। आज मैंने नो बैकग्राउंड नो रूम और आज मैंने अपने YouTube स्टूडियो को बना डाला है प्रकृति का सबसे सौंदर्य सिस्टम। देख सकते हैं बगल में है नदी, बगल में है पेड़ पौधे और मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि दोस्तों, जब आप अपने YouTube चैनल पे किसी भी वीडियो को अपलोड करते हैं, जब वीडियो आप अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के पहले आप वीडियो शूट करते हैं। वीडियो शूट करने के बाद जब आप वीडियो एडिट करते हैं तो एडिट करते समय जब आप किसी बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड वॉइस का यूज करते हैं और जब उसको वीडियो YouTube में अपलोड कर देते हैं अपने चैनल पे, तो क्या होता है, कभी कभी कॉपीराइट आ जाता है। तो हाउ टू रिमूव कॉपीराइट, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube वीडियो के चैनल से कॉपीराइट कैसे हटाएं। क्योंकि जब कॉपीराइट आ जाता है तो आपका चैनल ना तो मोनेटाइज होता है और ना ही आपका वीडियो मोनेटाइज होता है। क्योंकि जब कॉपीराइट आ जाता है तो कॉपीराइट आने का मतलब होता है कि जिसके वीडियो का आपने कोई म्यूजिक लिया है, कोई बैकग्राउंड वॉइस लिया है, तो उस वीडियो का पैसा उस ओनर को मिलता है, आपको नहीं मिलता। तो मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से कॉपीराइट को हटा देंगे। जब कॉपीराइट आप हट जाएगा तो आपका पैसा, आपके वीडियो का पैसा आपको ही मिलने वाला है, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं चलता हूँ आपको अपनी फ्रंट की स्क्रीन पर लेकर के और एक कॉपीराइट वीडियो को लेता हूँ और उसको हटाने का। तो गाइस, सिंपली आपको आ जाना है अपने फ़ोन की स्क्रीन पे और फ़ोन की स्क्रीन में जैसे ही आप लोग आ जाएंगे तो आपको आ जाना है गूगल क्रोम में। तो आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और जैसे आप गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे तो आप अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड पर क्लिक कर लेंगे। डेस्कटॉप मोड पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है सिंपली गूगल और यहाँ पर सर्च करना है YT स्टूडियो और इसको सर्च कर लेना है। और जैसे आप YT स्टूडियो यहाँ पर सर्च कर लेंगे कुछ देर बाद, सिंपली जैसे आप YT स्टूडियो सर्च कर लेंगे तो आपके सामने YouTube स्टूडियो लिख करके आ जाएगा। तो आपको लॉग इन YouTube स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक कर देंगे थोड़ी देर बाद आपके YouTube चैनल का एनालिटिक्स खुल करके सामने आ जाएगा। तो देखिए, ये मेरे YouTube चैनल का एनालिटिक्स ओपन हो चुका है, खुल चुका है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस कंटेंट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटेंट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए, मेरे पहला जो वीडियो है इसमें आपको यहाँ पर, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, देखिए कॉपीराइट दिखा रहा है, इस कॉपीराइट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कॉपीराइट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा सी डिटेल्स, तो सी डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सी डिटेल पे क्लिक कर देंगे तो इसको जूम करेंगे तो देखिए लिखा, कंटेंट इन आइडेंटिफाइड इन दिस वीडियो इज लिस्टेड बिलो। तो अब देखिए, ये जो मेरा वीडियो है इस पर कॉपीराइट लगा हुआ है और कॉपीराइट कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ लास्ट पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। मैं इसको आवाज़ को सुनाता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसमें फिर से ना लग जाए कॉपीराइट, ठीक है। तो ये लग गया है। तो अब आपको सिंपली आना थ्री डॉट पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास कॉपीराइट हटाने के तीन ऑप्शन आ जाएंगे। पहली बात, ट्रिम आउट सेगमेंट, रिप्लेस सॉन्ग या म्यूट सॉन्ग। तो जब ये आ जाएगा सिस्टम तो देखिए, आपको अगर जो भी करना है, अगर आपको डू यू हैव राइट टू दिस कंटेंट डिस्प्यूट करना पाते हैं, डिस्प्यूट कर सकते हैं। अन्यथा आपको क्या करना है कि ट्रिम आउट सेगमेंट पे जाना है या रिप्लेस सॉन्ग पे जाना है या म्यूट पे। तो सिंपली आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। अब जैसे मुझको इसको क्या करना है, ट्रिम आउट करना है या म्यूट करना है, तो मैं चलता हूँ ट्रिम आउट सेगमेंट पे। जैसे मैं ट्रिम आउट सेगमेंट पे कर दूंगा तो देखिए, ट्रिम आउट सेगमेंट पे जितना वीडियो सेगमेंट करना होगा यहाँ पे हमको दिखाई देगा, लिखा रिमूव द पार्ट ऑफ योर वीडियो वेयर कॉपीराइट कंटेंट हैज बीन क्लेम्ड, ठीक है। तो
तो ये 10:46 से 11:11 तक है, तो इसको जैसे मैं कंटिन्यू पुल कर दूँ सब कट जाएगा। तो मुझको इसको काटना नहीं, मुझको इसको कट कर देना यहाँ से, फिर मुझे इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और मुझे म्यूट सॉन्ग पे जाना है। तो जैसे मैं म्यूट सॉन्ग पे आ जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, म्यूट ऑल साउंड प्लेयर, म्यूट सॉन्ग ओनली, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग को म्यूट करना है, पूरा साउंड नहीं करना है, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो दिस प्रोसेस म्यूट टेक ए वाइल ऑफ यू एबल टू म्यूट ऑफ कॉपीराइट सॉन्ग विल अपडेट एनी व्यूइंग और मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन ऑन योर वीडियो। द वीडियो विल रिमेन इन दिस करेंट स्टेट अनटिल द प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। तो म्यूट पे क्लिक कर दूंगा तो मैंने जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया वो हट जाएगा और मेरा वीडियो कॉपीराइट से हट जाएगा। आप लोगों को भी ऐसा करना है। थोड़ी देर चलेगा, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से ये म्यूट हो जाएगा। अब देखिए, वीडियो एडिटिंग इज इन प्रोसेस, दिस प्रोसेस मैट डी टेक टू वाइल यू मे लीव दिस पेज एंड चेक बैक लेटर। तो हमारा हो चुका है, तो अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, कट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिएगा चेकिंग करने लगेगा। तो गाइस देखिए, सिंपली यहाँ पे चेकिंग फाउंड का दिखा रहा है, तो इसका मतलब अब आपका प्रोसेसिंग अप टू HD नॉइज़, ठीक है, ये प्रोसेसिंग में चला गया है, अब ये आपका कॉपीराइट हट जाएगा। ओके, देन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल में है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जानकारी। थैंक यू।